हापुड़ हलचल परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं अफसर बानो सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व संप्रभुता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नारी शक्ति मिशन अभियान की शुरुआत की गई, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा इसकी तेजी को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका असर आज हापुड़ में देखने को मिला। जनपद हापुड़ के मेरठ रोड पर बने परिवहन विभाग कार्यालय पर नारी शक्ति मिशन का आयोजन किया गया। परिवहन विभाग के अलावा अधिकारियों ने इस मिशन में परिवहन विभाग से जुड़े लोगों को प्रेरणा देते हुए कहा कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और वाहन चालकों को रोक कर भी समझाया कि जब महिलाएं बस में या किसी वाहन में सफर कर रही हों तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। देखिए, ये शरदीय नवरात्रि 2020 की 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक मिशन शक्ति हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम अभियान चलाया जा रहा है, जो कि नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के लिए है। इसमें आज 22 तारीख को हमारे लिए सरकार के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के चालकों को ARTO कार्यालय मेरठ रोड प्रांगण में एकत्रित किया गया और उनको नारी के सम्मान के लिए जागरूक किया गया। इस प्रकार इसके बाद हमारे द्वारा जो ऑटो चालक हैं उनको रास्ते में रोक करके उनके वाहनों पर इस प्रकार के पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं कि जिसको ये बार बार अपनी स्मृति में रखें और इस अभियान को जो हमारे सरकार के द्वारा मिशन शक्ति चलाया जा रहा है नारी की सुरक्षा के लिए, नारी के सम्मान के लिए, नारी के स्वावलंबन के लिए, इसको जागरूक ये होते रहें और सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद ना खड़ा करें। हमें उनसे मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रोग्राम में परिवहन विभाग के समस्त अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस कर्मी व अन्य अधिकारी तथा पुलिस कर्मियों ने सहयोग देकर नारी शक्ति मिशन के आयोजन को आगे बढ़ाया, जिससे लोग महिलाओं को मिलने वाले सम्मान की प्रेरणा ले सकें। इस दौरान अधिकारियों ने वाहनों पर नारी शक्ति मिशन का पोस्टर लगाते हुए वाहनों को आगे बढ़ाया। रोड पर जो भी वाहन दिखाई दिया सभी पर पोस्टर लगाते हुए सभी को प्यार से समझाया और नारी शक्ति मिशन के बारे में बताया। धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।